इंदौर की सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने 2 12 बोर की बंदूक चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से चोरी की बंदूक सहित जिंदा कारतूस बरामद कर पूछताछ करने में जुट गई है। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 2 दिनों पूर्व एक बंदूक की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए दुकान के अंदर से 12 बोर की 2 बंदूकें व कारतूस चुरा कर फरार हो गए थे, जिसकी कीमत 70,000 बताई गई थी। वहीं SP विजय खत्री द्वारा ASP स्तर के अधिकारी की एक टीम गठित कर CCTV फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बड़ी बात यह भी सामने आई है कि चोरों ने चोरी करते समय गलती से अपना मोबाइल फ़ोन दुकान में ही छोड़ दिया था, जिससे चोरों को पकड़ने में पुलिस को मशक्कत नहीं करना पड़ी। दिनांक 13 तारीख की रात में थाना कोतवाली के अंतर्गत रानीपुरा मेन रोड पर हकीमुद्दीन की जो शस्त्र बेचने की दुकान है, गन हाउस है, वहाँ पर शटर उचका करके और चैनल के 3 ताले तोड़ करके नकबजनी हुई थी और उस चोरी में 2 12 बोर की बंदूकें हाई क्वालिटी की चोरी चली गई थी। 14 तारीख की सुबह 3:30 बजे करीब थाने में सूचना प्राप्त हुई तो पुलिस तत्काल हरकत में आई। पुलिस ने तत्काल पूरे इलाके की घेराबंदी की तो यह ज्ञात हुआ कि चोर 3 या 4 की संख्या में थे और वहाँ से वो नॉर्थ तोड़ा वाले ब्रिज को पार कर करके राजवाड़ा की तरफ भागे हैं। पुलिस ने इनका पीछा लगातार जारी रखा। चूँकि इस चोरी में 2 फायर आर्म्स चोरी चले गए थे, लिहाजा ये हमारे लिए बहुत ही संगीन और अत्यंत गंभीर प्रकरण बन गया था, क्योंकि हमेशा ही फायर आर्म्स की का उपयोग बदमाशों के द्वारा अन्य गंभीर घटनाओं को कारित करने में किया जा सकता है। इसीलिए एडिशनल SP जयवीर सिंह भदौरिया, CSP BPS परिहार, TI BD त्रिपाठी की टीम के साथ ही अपराध शाखा के एडिशनल SP श्री गुरु प्रसाद पाराशर और उनकी टीम को भी तत्परता से कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी चोरों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। जयवीर सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीमों ने अच्छा काम करते हुए 24 घंटे बीतने से पूर्व ही 3 चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है और दोनों फायर आर्म्स जो चोरी चले गए थे वह एम्यूनिशन के बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। यह एक बहुत ही सराहनीय काम है इंदौर पुलिस का, विशेषकर कोतवाली सर्कल और थाना कोतवाली और जोन 1 का। इसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूं और पूरी टीम को 10,000 रुपये के नगद इनाम से पुरस्कृत करता हूं। ये जो आरोपी पकड़ाए हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा गया है तो इसमें से पूर्व से ही एक का रिकॉर्ड है, चोरी का ही है। और यह भी ज्ञात हुआ है कि ये तीनों चारों लोग वहीं घूमते रहते थे कोतवाली और MG रोड एरिया में राजवाड़े के आसपास, और छोटी मोटी चोरियां करते थे और रेकी करते रहते थे, कहाँ कर सकते हैं। इनके मन में बहुत दिन से ये ख्याल था कि हमें फायर आर्म की चोरी कर लेनी चाहिए, हमारे पास फायर आर्म होगा तो हम फिर कोई बड़ी वारदात घटित कर सकते। फिलहाल बंदूक चोरी की घटना का खुलासा करने वाली टीम को SP ने 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। वहीं एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।